एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे HNO3 का प्रिपरेशन। ओके, HNO3 नाइट्रिक एसिड मींस बहुत ही कोरोसिव एसिड होता है ये, और इसका यूज बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, एक्वारेगिया जो कि प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड और सिल्वर्स को डिजॉल्व करता है, एक्वारेगिया इन सारी चीज़ों में यूज होता है। एटलीस्ट TNT में भी HNO3 का यूज होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है, ये कैसे तैयार होता है। तो अगर हम लोग लैब में तैयार करें तो मीन्स स्मॉल स्केल पे वहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है जो हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, सोडियम नाइट्रेट को लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे। ओके, तो सोडियम नाइट्रेट हमारा हो गया NaNO3, और इसको क्या करेंगे, H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ हीट करेंगे। हीट करने पे हमें क्या मिलेगा, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट प्लस HNO3। बिल्कुल भी सिंपल सा प्रोसेस है जो कि बहुत इजीली रिमेम्बर हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे हमारे कंपाउंड्स बैलेंस्ड है, सोडियम वन नाइट्रोजन वन, हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 3+4 7 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3+4 7 ऑक्सीजन। तो आई होप इट इज़ बैलेंस्ड। तो हम लोग जानेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मीन्स इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पे कैसे प्रिपेयर होता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये, ओस्वाल्ड प्रोसेस। ओके, ओस्वाल्ड एक साइंटिस्ट थे, पूरा नाम विलियम ओस्वाल्ड है इनका। ओके, इन्होंने ये प्रोसेस दिया था। तो हम लोग जान रहे हैं कमर्शियल प्रिपरेशन। तो इसमें ये एक 3-स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि अमोनिया लेंगे NH3, इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज़ होगा प्लैटिनम और रोडियम गॉज का यूज़ करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, NO प्लस H2O मिल जाएगा। अगर इसे हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। आप इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस तो ईजिली हो गया। सेकेंड प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, NO को लेंगे, NO प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, NO2। ओके, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अगर इस बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। ओके, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 करना होगा, तो 4 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गया, ये बैलेंस्ड है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, NO2 को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2HNO3, यहाँ पे हमें नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा, और आई थिंक ये बैलेंस हो गया। ओके, तो सिंपल प्रोसेस थे। फर्स्ट में हमने अमोनिया लिया, उसको हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें मिल गया NO। NO को उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो वहाँ NO2 मिल जाएगा, और NO2 को फिर वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो HNO3 मिल जाएगा। तो ये हमारा 3-स्टेप प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये रिएक्शन बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ΔH नेगेटिव होता है, इसका नेगेटिव हमें क्या दर्शाता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ओके, ΔH नेगेटिव होता है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, अगर हम लोग इसका यील्ड बढ़ाना चाहते हैं मीन्स HNO3 को और भी ज़्यादा अमाउंट में, मतलब और भी ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं रिएक्शन के दौरान, तो हम लोग कुछ कंडीशन को फॉलो करेंगे। कंडीशंस क्या हैं,
फर्स्ट कंडीशन ये है कि टेम्परेचर लो होना चाहिए, लो टेम्परेचर। सेकेंड है हाई वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम एंड प्रेशर होना चाहिए हाई, ओके। और थर्ड कंडीशन है हमारा कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट साइड में हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, ओके। तो ये हमारे थ्री कंडीशंस है कि हम लोग और भी लार्ज अमाउंट में HNO3 हम लोग कमर्शियली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल था और आपको लर्न हो गया होगा। तो ऑस्वर्ल्ड प्रोसेस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। ये हमें पी ब्लॉक पे पढ़ना होता है। अगर हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें HNO3 की, तो ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, ओके। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसका, ये कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड, ओके, प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, ओके। क्योंकि अगर हम जनरली देखें लैब वगैरह में, तो वो येलोइस या ब्राउनिस कलर का हो जाता है, येलोइस या फिर ब्राउनिस कलर का इसलिए हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। ये ब्राउनिस, ये ब्राउनिस कलर का होता है, ओके, ड्यू टू NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, ओके, एज अ इम्प्योरिटी। इस कारण से ये ब्राउनिस या फिर येलोइस कलर का हो जाता है। और ये गैसियस स्टेट में इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, ओके, गैसियस स्टेट में प्लेनर स्ट्रक्चर इसका होता है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लाइक एन प्लस डबल बॉन्ड ओ, ओके, फिर सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एंड एच, HNO3। और अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इसका बन जाएगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ओके, तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हमारा कौन कैसा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा O माइनस डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O OH। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया HNO3 का। आई होप द रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर क्वाइट क्लियर। तो हम लोग लैब मीन्स लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर कमर्शियली इंडस्ट्रीज में कैसे प्रिपेयर करते हैं, कंडीशंस क्या हैं ज़्यादा प्रोडक्शंस के लिए, और फिर प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, तो हम लोगों ने जाना। और HNO3 का प्रिपरेशन पिक्रिक एसिड्स या फिर TNT वगैरह में बनाने में यूज़ होता है, ओके। तो आई होप द वीडियो इज़ क्वाइट क्लियर। So if you like the video, please subscribe to our channel and don't forget to like the video. Thank you for watching.